अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री फॉर बिगिनर। चलते हैं चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यूज की तरफ। विच कलर हैव मिनिमम एनर्जी, यानी इनमें से जो चार कलर दिए हैं इनमें सबसे मिनिमम एनर्जी किसकी होती है। अगर हम देखें विब गॉयर जो पूरे कलर्स होते हैं उनमें से, देखें सबसे लास्ट पे क्या है, रेड है। इन रेड की एनर्जी कम होती है और उसकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत है ज़्यादा होती है, यानी कि एनर्जी कम और वेवलेंथ ज़्यादा। और उसकी निस्बत ये जो वायलेट कलर होता है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है और वेवलेंथ बहुत कम होती है। द शेप ऑफ डी जेड स्क्वेयर ऑर्बिटल इज़, यानी हर ऑर्बिटल की आपको पता है एक शेप है। डी जेड स्क्वेयर ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, डम्बल शेप होती है विथ कोलर। हाउ मेनी टाइम्स मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ हैवियर देन द मैस ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का जो मैस होता है वो इलेक्ट्रॉन का मैस हाइड्रोजन के मैस से कितना बड़ा होता है, तो वो कितना होगा, 5 × 10⁻⁴। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट अ डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग क्या होता है कि यानी कि न्यूक्लियस के गिर्द ये प्रोबेबिलिटी कि इलेक्ट्रॉन कितने डिस्टेंस पे हो सकता है वो कितना होगा, 0.05 नैनोमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज़ हाइस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि वो मिनिमम एनर्जी जो आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करने के लिए चाहिए होगी। यहाँ पे आप देखें आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे देखें 5 है। तो जितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कम होंगे उतनी ही कम एनर्जी चाहिए होगी। तो यहाँ पे सबसे कम एनर्जी किसकी है, 3s1 के। विच एलिमेंट हैज़ दी सेम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, यानी इनमें से किस नंबर में, किस एलिमेंट में सेम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन होते हैं सल्फर के, मतलब जितने सल्फर में हैं उतने उसी में, कितने किस में होंगे, फॉस्फोरस में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एच नेगेटिव, एच के पास आपको पता है एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जब वो एच नेगेटिव है इट्स मीन कि इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी से गेन कर लिया, तो ये हो जाएगा 1s2। मैस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो मैस होता है 0.54 mg। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियडिक टेबल, आपको पता है कि पीरियडिक टेबल किस बेस पे अरेंज किया गया है, ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। विच इज़ दी, वट इज़ दी प्रोटॉन नंबर ऑफ एलिमेंट विच हैज़ 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट, यानी इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 26। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन आर इक्वल, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, ऑक्सीजन। विच ऑफ़ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ़ अनपेयर इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, Fe2 पॉजिटिव में। विच ऑफ़ द फॉलोइंग ऑन लूजिंग द इलेक्ट्रॉन हैव हाफ फील्ड, यानी इनमें से कौन सा जो इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद भी उसके बाद हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है, n नेगेटिव। टोटल नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन इन एन एटम ऑफ एटॉमिक सिस, एटॉमिक 26। यहाँ पे d इलेक्ट्रॉन का हमें कैसे पता चलता है, ये ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट होती है 21 से, यानी कि 21 से पहली ट्रांजिशन सीरीज होती है। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है, 121 है ना, 1 हमें ये बताएगा कि डी इलेक्ट्रॉन एक है। इस तरह 22 का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन है, 23 में 3, 24 में 4, 25 में 5, 26 में कितने होंगे, 6d इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि हाउ मेनी टाइम्स मोर एनर्जी इज रिक्वायर टू आयनाइज Li+2 आयन देन हाइड्रोजन एटम, यानी हाइड्रोजन एटम की निस्बत Li2 आयन बनाने में कितनी एनर्जी चाहिए, यानी कितने टाइम मोर एनर्जी चाहिए हमें, 9 टाइम्स। विच पार्टिकुलर हैज़ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, इनमें से सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन की। टेलीवियन पिक्चर ट्यूब, टेलीवियन पे जो पिक्चर आती है बेसिकली वो डिस्चार्ज होके आ रही होती है। मोजले ने, यानी कि जो एलिमेंट यूज़ किया उसका एटॉमिक नंबर कितना था, 38। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल एल, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबशेल जिसका जो अजीमथ क्वांटम नंबर 3 है वो कितना होगा, 14। यानी कि हाइड्रोजन का जो तीसरा शेल है उसका रेडियस कितना होता है, 4.76। रेडियस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये पूरा मेथड जो है उस चैप्टर में दिया गया है। कलर ऑफ फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस बाय कैथोड रेज, यानी कैथोड रेज की जो फ्लोरिसेंस से कलर प्रोड्यूस होता है वो बेसिकली किस वजह से होता है, ग्लास की कंपोजिशन की वजह से। अ फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन कैन इजेक्ट, हमारे पास यानी कि नाइट्रोजन के अंदर से जब फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन कौन सी रेज इजेक्ट करता है, अल्फा रेज।
अब प्रेशर इज इन गैस डिस्चार्ज ट्यूब, यानी कि गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो प्रेशर होता है वो बहुत लो रखा जाता है, 0.01 टॉर। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ कैथोड रेज इन इलेक्ट्रिक फीज व स्टडीड बाई, यानी कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन को किसने स्टडी किया, थॉमसन ने। पॉजिटिव रेज जो होती हैं वो किस पे फ्लैश देती हैं, जिंक सल्फाइड प्लेट के ऊपर। फ्री न्यूट्रॉन एनर्जी चेंज इंटू प्रोटॉन विद द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैल्यू ऑफ ई और एम रेशियो ऑफ चार्ज, यानी कि इसके ऊपर क्या होगा, 1.7588 × 10^11। ये कैसे कैलकुलेट करना है, ये वाला जो मेथड है ये भी बुक में दिया। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो किसने मेजर किया है, मिलिकन ने, जो इसका मेथड था आयल ड्रॉप मेथड, उससे इसने यूज़ करके ये फाइंड किया है। एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंट होता है किस फार्मूले से कैलकुलेट किया जाता है, mvr = nh/2π। ये बोहर का जो एक पॉइंट है उसमें उसने दिया था। प्लैंक्स इक्वेशन क्या होती है, E = h𝛎। मिलिकन ने क्या यूज़ किया था एटमाइजर में, आयल यूज़ किया था। व्हेन इलेक्ट्रॉन डीऑक्साइड बैक इनटू ऑर्बिट वन, यानी कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से अलग ऑर्बिट नंबर वन में आएंगे तो हमारे पास कौन सी सीरीज ऑब्टेन होगी, लाइमन सीरीज। ये पूरी सीरीज में आती हैं, 2 में होगा, फिर 3 में आएगा, 4 में, सबके अलग अलग नेम है। द वेव नंबर ऑफ लाइट इमिटेड बाय सर्टेन सोर्स इज 2×10^6 m². द वेवलेंथ ऑफ दिस लाइट विल बी, इस लाइट की वेवलेंथ कितनी होगी, 500 nm। क्वांटम नंबर वैल्यू फॉर 2p ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल की क्वांटम नंबर वैल्यू क्या होगी, n होगा 2, l होगा 1, यानी हमेशा एजी मेथड क्वांटम नंबर जो होता है वो एक उसकी लेस वैल्यू n-1 से कैलकुलेट करते हैं। व्हेन 60 ऑर्बिटल इज कम्प्लीट, जब 60 ऑर्बिटल कम्प्लीट हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन फिर उसके बाद किस में इंटर हो जाते हैं, 7p में। ये किस हिसाब से है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हिसाब से। द ई और एम वैल्यू फॉर द पॉजिटिव रेज इज मैक्सिमम फॉर हाइड्रोजन। द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ, जिस तरह से पीछे एमसीक्यूज था थर्ड शेल का, तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस है ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आप चैप्टर में पढ़ चुके हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज एन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल बेसिकली क्या होते हैं, एच पॉजिटिव से इनका मेल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल इज नॉट पॉसिबल, इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है, 2d, क्योंकि जो हमारे पास होता है यानी जो शेल 2 होता है उसमें d ऑर्बिटल होता ही नहीं है। ये d ऑर्बिटल जो होते हैं वो 3 वाले शेल में होते हैं, इस वजह से 2d नहीं होता, हमेशा 3d से ही स्टार्ट होते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर वाज गिवन बाय गोल्डस्मिथ एंड ओलनबी। एक्सरे है सेम नेचर, एक्सरे की नेचर किससे मिलती होती है, गेमा रे से मिलती है। वैल्यू ऑफ रेडबर्ग कॉन्स्टेंट की जो वैल्यू होती है 1.09678 × 10^7 m-1 होती है। लिमिटिंग लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज की जो लिमिटिंग लाइन होती है वो लाई करती है यूवी रीजन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल विल बी फिल फेल, इसमें से कौन सा फील होता है, सबसे पहले 4s फील होगा। एन ऑर्बिटल हैज कैन अक्यूमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, दी ऑर्बिटल विच इज स्फेरिकली स्फेरिकल कौन सा होता है, एस वाला स्फेरिकल होता है। वेव नंबर का जो SI यूनिट होता है वो होता है पर मीटर। एक्सरे को कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, रोंगजन ने। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल कंटेनिंग, इनमें से कौन सा पार्टिकल ऐसा है जिसमें 20 न्यूट्रॉन, 19 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पोटेशियम, क्योंकि इनके निकालने का मेथड भी आप चैप्टर में पढ़ चुके हैं। दी इलेक्ट्रॉन्स इन के शेल ऑफ एटम विल डिफर इन, यानी के शेल में क्या डिफरेंस होता है, स्पिन क्वांटम नंबर का, दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एम शेल ऑफ द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 24 is 8। प्लैंक्स कॉन्स्टेंट की जो वैल्यू होती है वो क्या है, 6.625 × 10^-27 s². इफ आर इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, अगर फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस आर है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ एच एटम क्या होगा, rn². प्रोटॉन को कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, गोल्डस्टेन ने। चार्ज ऑन 500 g ऑफ इलेक्ट्रॉन, 500 g इलेक्ट्रॉन के कितना चार्ज होगा, 3.5176 × 10^11 कूलम्ब्स। हु नेम्ड कैथोड रेज एज इलेक्ट्रॉन, कैथोड रेज को इलेक्ट्रॉन का किसके नाम दिया, जी जे स्टूने ने। आर नोड इज द सर्फेस वेयर द प्रॉबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, यानी कि नोड वो सर्फेस है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की प्रॉबिलिटी बिल्कुल जीरो होती है। द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, वो किसने, श्यूडेजर ने फर्स्ट टाइम कंसीव की थी। उसके बाद डी ब्रोगली इक्वेशन जो होती है वो इलेक्ट्रॉन की किसके बारे में बताता है, वो पार्टिकल और वेव दोनों के बारे में बताता है, इस वजह से हम बोथ इसका आंसर रहेगा। एटॉमिक मास एंड स्पेक्ट्रा ऑफ एन एलिमेंट कैन नॉट बी यूज टू डिटरमाइन द मास। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने चैप्टर नंबर 4
सॉरी चैप्टर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर के एमसीक्यूज डिस्कस किए। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इससे पहले जो पिछले चैप्टर्स के एमसीक्यूज के बारे में देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।